सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि किसी मुल्क का रहने वाला हर आदमी अपने मजहब के सिलसिले में आजाद है, एक। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का उस मुल्क के मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। तीसरी बात यह है कि इस लेवल के ऊपर बसने वाले और गवर्नमेंट दोनों चल करके बसने वाले लोग अपने मुल्क की आजादी, उसकी ताकत के लिए काम करें, और गवर्नमेंट अपने मुल्क में रहने वालों की तालीम, शिक्षा और इसके साथ साथ तरक्की, इक्तिसादी तरक्की, यानी रहना सहना कमाना खाने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर काम करें। ये इसका नाम सेकुलरिज्म। जी जी अब मुझे आपसे समझना ये है मौलाना मदनी साहब कि अभी आपके आज की तारीख में, चूंकि ये सियासत है, इंतखाबात चल रहे हैं, ये जिस सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं ये किधर आपको नजर आ रहा है, क्या है आपका ऑब्जर्वेशन? हाँ, मैंने एक बात देखी बहुत जमाने से, मैं देख रहा हूँ उसको कई साल से, कि मुसलमानों के मजहब के ऊपर हावला, और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो फिर अपरस्त जहन है वो मुसलमानों के मजहब को खत्म करके उसको अपने मजहब के पाबंद बनाना चाहता है, जैसे यकसा सिविल को, एक तरीके का मतलब, एक तरीके का। आपने देखा होगा कि इन्होंने तलाक के मसले के अंदर जो मजहब की बुनियाद थी उसको खत्म करके अपनी मनमानी की रेख किया और मुसलमान को उसका पाबंद करना चाहता। इसी तरीके से कदम ब कदम चलना चाहिए। इस मौके के ऊपर हम ये समझ रहे हैं कि सेकुलरिज्म का नाम लिया जा रहा है, सेकुलरिज्म की जड़ को खोदा जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर जो लोग अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहते हैं कि हम अगर आएंगे तो हम हर एक अकलियत, मुसलमान की कोई बात नहीं, कोई भी अकलियत हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कबायली लोग हम, ये कहते हैं कि हम उनको अपने मजहब के ऊपर चलने की आजादी, हम ये समझते हैं कि ये सेकुलरिज्म की मुल्क के अंदर बुनियाद है। ये किसने कहा है जिसका आप जिक्र कर रहे अरे हैं? छोड़ दीजिए, ये आप भी जानते होंगे और दुनिया जानती है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को कहा। मैं ये बात कहता हूँ और बरमला कहता हूँ कि मुसलमान के लिए खास तौर पर और हर सिख के लिए, हर ईसाई के लिए, हर यहूदी के लिए ये बात 10 मरतबा सोचने की है कि जो पार्टी हर अकलियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आजादी देती है और ये कहे हम नहीं छेड़े, जिस तरह हम इस मुल्क में 1300 साल से बगैर छेड़े हुए रहते चले आए हैं और रात को आराम के साथ लेते चले हैं, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम आजादी देंगे, हम उसको किसी नहीं लगा। हर मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हर एक का मैं कहता हूँ फर्ज है, जरूरी है, जो अपने मजहब की आजादी के लिए। आपने बहुत ही